कल्पधाम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पेश करते हैं सागर शहर के बीचों बीच सर्व सुविधा युक्त आवासीय कॉलोनियां। प्लाट बुकिंग एवं साइट विजिट के लिए संपर्क करें अंकुर चौरसिया, पुरुषोत्तम चौरसिया। एमपी के टीकमगढ़ से बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां एसपी के फर्जी साइन कर कई हैवी लाइसेंस जारी कर दिया, लेकिन मामले का खुलासा होने पर आरटीओ निर्मल कुमरावत सहित तीन लोगों के विरुद्ध अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। बताया गया कि एसपी प्रशांत खरे के फर्जी साइन की रिपोर्ट लगाकर 223 लाइसेंस जारी करने के मामले में कलेक्टर और एसपी के निर्देशन में देहात थाने की टीम ने आरटीओ कार्यालय पर कार्यवाही करते हुए हैवी लाइसेंस बनाने की फाइलों की जाँच की, जिनमें जनवरी 2020 से जारी की गई हैवी लाइसेंस की 500 से ज्यादा फाइलों की जांच की और उसमें एसपी की अनुशंसा वाले पात्रों को देखा तो पाया गया कि 200 से ज्यादा लाइसेंस धारियों की आरटीओ कार्यालय के बाबू और दलालों द्वारा कूट रचित हस्ताक्षर कत पत्र बनाकर रिकॉर्ड में लगाकर लाइसेंस जारी किए गए। देहात थाना प्रभारी नसीर फारूकी के मुताबिक टीकमगढ़ और निवारी जिले के आरटीओ निर्मल कुमरावत, कार्यालय के बाबू राम रतन शर्मा और आरटीओ दलाल छोटू मिश्रा पर अपराध क्रमांक 124/21, धारा 420, 467, 468, 471 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। वहीं इस मामले में एसपी प्रशांत खरे का कहना है कि लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि एसपी कार्यालय से जितनी लाइसेंस की अनुशंसा की जा रही थी उससे ज्यादा आरटीओ कार्यालय द्वारा लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। पता लगा कि उनके फर्जी हस्ताक्षर कर प्रमाण पत्र लगाकर वाहन चालकों के हैवी लाइसेंस जारी किए गए, जिसके बस कार्रवाई हुई। नवम्बर माह से सूचना मिल रही थी कि मतलब यहाँ से जो वेरिफिकेशन पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जाते हैं उससे ज़्यादा संख्या में हैवी लाइसेंस जारी हो रहे हैं। तो ये सूचना मिलने पे हम लोगों ने पहले तो आरटीओ टीकमगढ़ से संपर्क किया, तो उन्होंने कोई ऐसा विशेष रिस्पांस नहीं दिया। फिर उसके बाद कलेक्टर साहब को मैंने पत्र लिखा, तो कलेक्टर साहब ने इसमें जाँच कराई, एडीएम साहब ने जाँच की थी, उन्होंने उनकी जाँच रिपोर्ट हमको मिल गई है, उसी के आधार पर फिर ये FIR की गई है। इसमें तीन आरोपी हैं, आरटीओ कार्यालय के लिपिक और एक दलाल है। तो इनके द्वारा एक कूट रचना करके मतलब पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर, नकली हस्ताक्षर करके बना के और उसमें फाइल में लगा के और हैवी लाइसेंस जारी कर दिए जाते थे। बड़ी संख्या में ऐसे लाइसेंस जारी किए गए हैं, कुछ फर्जी मेडिकल भी बनाए गए हैं। तो इस समय विस्तृत विवेचना अभी जारी है। अभी मामले हैं ऐसे 300 के लगभग होंगे, करीब 300 के लगभग होंगे, क्योंकि यहाँ से 319 प्रकरण भेजे गए थे इसके वेरिफिकेशन करके, और उन्होंने 542 इसी अवधि में 542 हैवी लाइसेंस जारी किए हैं। तो ऐसे करीब 200-225 तो ये हैं, और फिर कुछ ऐसे हैं जो कि जो यहाँ से भेजे गए थे वो उनको जारी नहीं किया, मतलब और भी संख्या में कुछ ऐड हुए हैं कहीं। तो ऐसे करके 300 के लगभग का टोटल प्रतीत होता है। धारा 420, 467, 468 और 471 आईपीसी के अंतर्गत ये प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। ये आरटीओ विभाग में जो हैवी लाइसेंस जारी किए गए थे आरटीओ विभाग द्वारा, जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन पुलिस अधीक्षक कार्यालय से होता है, जिनके इनके द्वारा कुछ मामलों में ऐसे लाइसेंस जारी कर दिए, हैवी लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं जिनमें पुलिस वेरिफिकेशन ना करते हुए खुद से ही इन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का लेटर जारी किया और पुलिस अधीक्षक महोदय के खुद ही सिग्नेचर करके फर्जी सिग्नेचर कर हैवी लाइसेंस जारी किए गए। कितने लोगों पर मामला दर्ज हुआ है? अभी तीन लोगों पर मामला दर्ज हुआ है, आरटीओ टीकमगढ़ श्री निर्मल कुमरावत, यहाँ के लिपिक हैं राम लखन शर्मा, और एक दलाल हैं जो छोटू मिश्रा, इनके खिलाफ अभी कार्रवाई की गई। एसपी के बगैर साइन, एसपी के फर्जी साइन करके कितने लोगों के अभी मतलब जो लाइसेंस जारी किए गए हैं, क्या निकल कर सामने आया? हमने पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जो लाइसेंस जारी किए गए, करीब 300 करीब लाइसेंस पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी किए गए, और आरटीओ कार्यालय द्वारा करीब 500 के ऊपर लाइसेंस जारी किए गए। करीब 200 मामले ऐसे हैं जिसमें फर्जीवाड़े की संभावना है, और चूंकि हमें रिकॉर्ड अभी उतना उपलब्ध नहीं हो पाया है, यहाँ करीब 10 मामले ऐसे हैं जो हमको मिल गए हैं जिसमें इनके द्वारा फर्जी सिग्नेचर और फर्जी पत्र
पुलिस अधीक्षक कार्यालय का जारी कर हैवी लाइसेंस जारी किए गए। अब किस तरीके से फर्जी लाइसेंस बनाए जाते थे यहाँ पर? ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है कि आवेदन 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 करता है अपने लाइसेंस के लिए, उसका चरित्र सत्यापन जरूरी है, चरित्र सत्यापन पुलिस अधीक्षक कार्यालय के माध्यम से संबंधित थाने से कराया जाता है, उसके बाद आरटीओ को रिपोर्ट दी जाती है। तो ऐसे ऐसे लाइसेंस जारी कर दिए गए, हैवी लाइसेंस जारी कर दिए गए जो जिनके जिनका चरित्र सत्यापन नहीं हुआ है, और चरित्र सत्यापन इनके रिकॉर्ड में ऐसे दस्तावेज पाए गए हैं जो हमारे यहाँ से जारी नहीं किए गए, ना तो उनका जाबक नंबर उससे मैच करता है और उसमें साइन भी एसपी साहब के नहीं है। तो ऐसे फर्जी दस्तावेज तैयार कर हैवी लाइसेंस जारी किए गए। बड़ा रैकेट चल रहा था इस तरीके का यहाँ पे? बिल्कुल बड़ा रैकेट ही है। गिरफ्तारी हुई है? अभी नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी जांच चल रही है और भी हम दस्तावेज की जांच कर रहे हैं, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम आगे कार्रवाई बढ़ाएंगे। जांच में कौन कौन? जांच में हमारे देहात थाने की टीम लगी हुई है। टीकमगढ़ से सुधीर मवई, सागर टीवी न्यूज। बनाए अपने सपनों का घर कल्पधाम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ प्राकृतिक सुंदरता के बीचों बीच, मोहन एनक्लेव होटल रॉयल पैलेस के पास, राजघाट रोड, सागर, जिनमें आपको मिलेगा सभी शासकीय अनुमतियां, सभी बैंकों से फाइनेंस सुविधा उपलब्ध, सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षित कैंपस, 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड, बच्चों के खेलने के उपकरणों सहित हरे भरे पार्क, ओपन जिम, चौड़े कंक्रीट रोड, कवर्ड कैंपस सहित सुंदर एवं विशाल प्रवेश द्वार, 24 घंटे पानी की सुविधा, क्लियर ड्रेनेज सहित अंडरग्राउंड सीवर लाइन एवं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। प्लाट बुकिंग एवं साइट विजिट के लिए संपर्क करें ऑफिस HIG 6, जिया मापुरम कॉलोनी, फेज 2, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारे नंबर है 7770888116, 9617 31 0803।